हमारे नेता भी कमाल है, इन्हें देख के तो मुझे वही मुहावरा याद आ रहा है, न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। किसमें हो गया लट्ठम लट्ठा? अरे हमारे नेताओं में हो गया लट्ठम लट्ठा। कोरोना से लड़ने के बजाय हमारे ये नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोरोना के टाइम पे ये सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय अन सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ममता जी बोलती है देवोनाथ देवोनाथ देवोनाथ, कमल का निशान पर वोट डालोगे और आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इंच में इंच में लड़ाई होवे, बिना युद्ध एक इंच जो भी छाड़ो ना, बीजेपी के एक इंच जो भी छाड़ो ना। ममता जी के टीएमसी के गुंडों का संतरास है कि नहीं है? है कि नहीं है? तोलाबाजी है कि नहीं है? मामोने का खेला होवे, खाता कुंती खेला होवे। आज फिर उन्होंने कोरोना के लिए बाहरी लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। केनो छमास धरे तुम्हें कोरोना के रोकबार जन्य प्लानिंग तैयारी करोनी? केनो तुम्हें छमास धरे শুধু বাংলা ইলেকশন কি করে বাংলা দখল করা যায় তার জন্য রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছো, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছো, আর করোনা কি করে হচ্ছে তাকে রুখতে হবে সেটা তুমি কিছু করনি, কাউকে করতে দাওনি। আজকে তোমাকে জবাব দিতে হবে। দ্বিতীয়বার করোনা সংক্রমণ, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী। দিদি নে করোনা কে লিয়ে বাহারি লোগোঁ কো জিম্মেদার বতায়া তো মোদি জি কি টিম ভি কুদ কর ময়দান মে আ গই অর করোনা কে পুরে প্রকোপ কো হি রাজনীত বতা দিয়া। মমতা জি নে প্রধানমন্ত্রী নে দর্জনো বৈঠক বুলাই মুখ্যমন্ত্রীয়ো কি করোনা কে খিলাফ লড়াই মে। মমতা জি কিসি বৈঠক মে গই থি ক্যা? অভি তো 4 দিন পহলে বুলাই থি না। তো 5 চরণ কে বাদ ইয়ে কাহানি কিউ আ রহি হ্যায়? হার কা ডর সতা রহা। 2 মই ये। तो देखा आपने कोरोना पे कैसी राजनीति हो रही है। इसलिए मैं तो बस यही कहूंगा कि बंगाल चुनाव के 5 चरण तो पूरे हो गए, अब किसी तरह ये बाकी के 3 चरण भी जल्दी से निपट जाएं तो हमारे नेताओं को आपस में लड़ने के बजाय कोरोना से लड़ने की फुर्सत मिल जाए। लेकिन तब तक इस लड़ाई को हमको और आपको पूरी शिद्दत के साथ लड़ते रहना है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, मास्क जरूर पहनते रहिए और अनसोशल नहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और एक दूसरे की जितनी मदद संभव हो सके कीजिए। फिलहाल मुझे और मेरे बंदरू को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज। चल बंदरू। तो ये था आज का पोल खोल। चलते चलते मैं तो बस यही कहूंगा, चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, कभी मास्क बिना ना रहना, कभी मास्क बिना ना रहना। तो मास्क जरूर पहनिए और अन सोशल नहीं सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और एक दूसरे की जितनी मदद संभव हो सके कीजिए। फिलहाल मुझे और मेरे बंदरू को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय। चल बंदरू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।